गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड की धोरण 10 एटले के एसएससी परिणाम जाहिर थयु छे। आ वर्षे धोरण 10 64.62% परिणाम आयु छे। गुजरात बोर्ड धोरण 10 64.62% परिणाम जाहिर करवामां आव्यु। वर्ष 2022 की तुलना में आ वर्षे 0.56% परिणाम ओछु आव्यु छे। धोरण 10 सूरत जिला सौथी वधु परिणाम 76.45% परिणाम आयु छे। धोरण 10 दाहोद जिला सौथी ओछु 40.75% परिणाम आयु छे। बनासकांठा जिला कुंभारिया केन्द्र की सौथी वधु परिणाम 95.92% आयु छे। ज्यारे नर्मदा जिला उतावड़ी केन्द्र सौथी ओछु 11.94% परिणाम आयु छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और शिक्षण प्रधान कुबेर डिंडोरे विद्यार्थियों ने शुभेच्छा पाठवी हती। सूरत जिला में धोरण 10 सौथी वधु परिणाम जाहिर थयु छे। 76,470 विद्यार्थियों 1,279 विद्यार्थियों ए वन ग्रेड मेळव्यो छे, ज्यारे 8,113 विद्यार्थियों ए टू ग्रेड मेळव्यो छे। 13,049 विद्यार्थियों बी वन और 15,621 विद्यार्थियों ने बी टू ग्रेड प्राप्त थयो छे। सूरतना सरथाणा स्थित गढ़पोड़ शाला में अभ्यास करता बे ट्विन्स भाईओनु धोरण 10 परिणाम पण सरखू आव्यु छे। जोतजोत में शाला अने परिवारना सभ्य पण चौंकी उठ्या छे। बने ट्विन्सना एक सरखा 95.5% पर्सेंटाइल आव्या छे। जो कि सखत मेहनत अने परिश्रम करवाथी आ परिणाम आव्यु होवानुं बने विद्यार्थीओए जणाव्युं छे। शाला परिवारे ढोल नगारा अने मोडू मीठू करावी विद्यार्थीओने शुभकामना पाठवी छे। तो हवे बने ट्विन्स भाईओए धोरण 11 साइंस लेवानुं नक्की कर्युं छे। सायला ग्राम पंचायत पानी टाँकी जर्जरित हालत में जोवा मळी छे। 40 वर्ष जूनी पानी टाँकी छत अंदर भागे थी संपूर्णपणे जर्जरित थई चुकी छे। सायला में पानी वितरण थता पीवाना पानी में छतना पोपड़ाओ पड़ी रहा छे, जेथी जेते समय टाँकी धराशायी थवानी भीती सेवाई रही छे। 6,00,000 लीटर पानी धरावती 100 फूट ऊंची पानी टाँकी जर्जरित हालत में थई छे। टाँकीना बाजू में ज प्राथमिक शाला पण आवेली छे, जेने कारणे वालीओए जर्जरित टाँकी ने लईने चिंता व्यक्त करी हती। जो कि ग्राम पंचायत पण कोई कर्मचारी ने काम करवा मोकलवा डर अनुभवे छे। गोंडल यार्ड में 35,000 बॉक्स केरी की आवक थई छे। जोते गोंडल यार्ड में देश और विदेश में केरी की आवक थाय छे। छेल्ला 2-4 दिवस में 60,000 थी वधु केरी की आवक नोंधाई छे। केसर केरी गोंडल यार्ड में कुवैत लंडन ऑस्ट्रेलिया दुबई और आफ्रिका शिप कंटेनर थी मोकलवामां आवे छे। समग्र पंथक में केरी वेचाण में गोंडल यार्ड प्रथम नंबर पर छे। गांधीनगर में योजायेली कैबिनेट की प्रथम बैठक में महत्वनो निर्णय लेवामां आव्यो छे। राज्य सरकार विविध विभागों में भर्ती प्रक्रिया माटे कैलेंडर तैयार करवामां सैद्धांतिक मंजूरी आपवामां आवी छे। अगाउ वर्ष 2014 में भर्ती कैलेंडर बहार पाड़वामां आव्युं हतुं, जेनी मुदत डिसेम्बर 2023 में पूर्ण थाय छे। 2024 थी वर्ष 2033 सुधी वहीवटी विभागों में जग्या भरवा माटेनी भर्ती कैलेंडर ने तैयार करवानी सैद्धांतिक मंजूरी कैबिनेट की बैठक में आपवामां आवी छे, जे अंतर्गत अधिक मुख्य सचिव सामान्य वहीवट नाणा विभाग और सचिव कक्षाना तमाम वहीवटी विभागों में जग्याओ भरवा माटेनो मार्ग मोकळो थशे। शाला प्रवेशोत्सव की 18 श्रृंखला 12 जून थी 14 जून दरमियान योजवामां आवशे। राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल मंत्रिमंडलना सभ्यो सांसद धारासभ्यो तेमज पदाधिकारीओनी उपस्थिति में शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रमनो प्रारंभ थशे। जून 2023 थी शुरू थता नवा शैक्षणिक सत्र थी राष्ट्रीय शिक्षण नीतिनो अमल करवानो पण नक्की करवामां आव्यो छे। आ वर्षे बालवाटिकामां प्रवेश पामनार बाळकोने पण प्रवेशोत्सवमां समावेश करवामां आवशे। नवी शिक्षण नीति प्रमाणे जे बाळकनी उम्र 1 जूनना रोज 5 वर्षथी वधु अने 6 वर्ष करता ओछी हशे तेने बालवाटिकामां अने जे बाळकनी उम्र 6 वर्षथी वधु हशे तेने धोरण 1 प्रवेश आपवामां आवशे। नवा संसद भवनનું લોકાર્પણ રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે ગુજરાતનું રાજકારણ પણ ગરમાયું છે। વિપક્ષના નેતા અમિત ચાવડાએ આ મામલે મોદી સરકારને આડે હાથ લીધી છે। તેમણે વડાપ્રધાન મોદી પર રાષ્ટ્રપતિનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે। રાજ્યના આરોગ્ય પ્રધાન ઋષિકેશ પટેલે પીવાના પાણી અંગે સમીક્ષા કરી છે। ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં 72 ડેમોમાં પાણી આરક્ષિત છે। જે ગામોમાં પાણી પહોંચતું નથી ત્યાં ટેન્કર દ્વારા પાણી આપીએ છીએ। 3,000 બોર બનાવવાની મંજૂરી મળી છે। હેન્ડપંપ રિપેરિંગ માટે 14 જિલ્લામાં વિવિધ ટીમો તૈનાત કરી દીધી છે, તો ગ્રામ યોજનામાં જૂથ વર્ગ હેઠળ પણ કામગીરી સોંપવામાં આવી છે। चांदोद में 26 मे रोज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल गंगा दशहरा महोत्सव की हाजरी आपशे, जेने पगले डीवाईएसपी सहित अधिकारी
स्थल निरीक्षण कर्युं हतुं। गंगाजीनुं पृथ्वी पर अवतरण थयुं त्यानी स्मृतिमां दर वर्षे गंगा दशहरा महोत्सवनुं आयोजन करवामां आवे छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल मल्हार राव घाट खाते गंगाजी नर्मदाजीनी आरती उतारशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साथे अनेक मंत्रीओ पण हाजर रहेशे। आठ महानगरपालिकाना मेयर डेप्यूटी मेयर स्टेण्डिंग कमिटीना चेयरमेन होद्देदारों पदाधिकारी साथे प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल बैठक करी। सूरतना डुमस खाते आ बैठक योजवामां आवी जेमां महत्वना मुद्दाओं पर चर्चा करवामां आवी हती। आठ महानगरपालिकाओं में थयेला विकासना कार्यो अंगे तेमज पेन्डिंग कामों अंगे आ बैठक में चर्चा कराई हती। छवीस मे रोज सुरेन्द्रनगर जिला कांग्रेस द्वारा जनमय कार्यक्रम आयोजन कर विपक्ष नेता अमित चावड़ा प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर सहित नेताओं हाजर रहे। आ कार्यक्रम में प्राथमिक सुविधाओं अंगे स्थानिको प्रश्नों सांभवा प्रजा स्थानिक मुद्दाओं निवारण केव रीते लाई शकाय अंगे कार्यक्रम में चर्चा कर। बे हजार चौबीस लोकसभा चूंटनी में भाजप गुजरात में नो रिपीट थियरी अपनावशे तेवी चर्चाओ चाली रही छे। लोकसभा की चूंटनी में गुजरात केटलाक सांसदों पत्ता कपाई शके तेवी चर्चाए पण जोर पकड्यू छे। त्यारे आ अंगे अमदावाद पूर्वना सांसद किरीट सोलंकी ने सवाल पूछवामां आव्यो त्यारे तेमणे जणाव्युं हतुं के टिकीट कोईने पण आपी अने न आपी ते पक्षनो विषय छे। सूरत जिला भाजप उप्रमुख और सुगर फेक्टरी प्रमुख केतन पटेल अंगे सोशियल मीडिया पर वांधाजनक लखाण वायरल थवा मुद्दे राजकारण गरमाय छे। आंगे केतन पटेले पलसाणा पुलिस स्टेशन में लिखित फरियाद नोंधावी छे। विवादित पोस्ट चलथाणा सुगर फेक्टरी महिला डिरेक्टर वायरल करी होवानुं सामे आव्युं छे। बागेश्वर धामना सरकार धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में दिव्य दरबार योजवानो छे त्यारे वेड़ावन महामंडेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अने तेमना कार्यक्रमों विरोध कर्यो हतो। भालका तीर्थ नजीक निराली खोडियार मंदिर महंत बजरंगदास बापुए विरोध दर्शाव्यो हतो तेमज संतो महंतो ने आ कार्यक्रम में न जवानो पण अनुरोध कर्यो हतो। महंत बजरंगदास बापुनु कहेवु छे के महंतोनो कोईपण पड़कारनो धीरेन्द्र शास्त्री पासे नथी। सूरत में धोरण दस में नापास थवानी चिंता में ज विद्यार्थिनीए आपघात कर्यो छे। रेस्तान विस्तार में रहती 16 वर्षनी विद्यार्थिनीए घर में फांसो खाई आपघात कर्यो छे। विद्यार्थिनीने धोरण दस में नापास थवानो डर हतो अने आजे परिणाम जाहिर थाय ते पहेला आपघात करता परिवार शोक में गरकाव थयो छे। विद्यार्थिनीना मृतदेहने पोस्टमोर्टम अर्थे खसेड़ी पोलीसे वधु तपास हाथ धरी छे। राजकोट पुलिस रूपया 500 और 100 की नकली नोटों साथ त्रण शख्सों ने झड़पी पाड़ा है। निकुंज भालोड़िया नामनो व्यक्ति स्कैनर और फोटोशॉप की मदद की चलनी नोटो बनावतो हतो। निकुंज भालोड़िया साथ विशाल गढ़वी और विशाल बुद्धदेव ने पण झड़पी पाड़ा है। त्रण शख्सों पास से रूपया 500 दर की 4622 और रूपया 100 दर की 335 नकली चलनी नोटो झड़पी पाड़वामां आवी छे। पुलिसे कुल 23,44,500 की नकली नोटो झड़पी त्रण शख्सों की अटकायत कर कायदेसर की कार्यवाही हाथ धरी छे। सूरत नवी सिविल होस्पिटल में मेडिकल तपास दरमियान फरार थे आरोपी ने 11 वर्ष बाद सूरत क्राइम ब्रांचे झड़पी पाड्यो छे। आरोपी ने वर्ष 2012 में पुलिस चोरी गुना में धरपकड़ करी हती जेमां तेनु मेडिकल चेकअप माटे सिविल होस्पिटल खसेड़वामां आव्यो हतो त्यारे पुलिस जापातना माणसों की नजर चूकवी आरोपी फरार थयो हतो। जेथी कटोत्रा पुलिस मथक में गुनो नोंधायो हतो परंतु आरोपी पुलिस ने हाथे लाग्यो हतो अने 11 वर्षथी आरोपी फरार हतो। जेने लईने सूरत क्राइम ब्रांचे बातमीने आधारे ओरिस्साना गंजाम जिल्लामांथी आरोपी ने झड़पी पाड्यो छे। अमरेली में आवेली होटल नेपच्यून इन में गतरात्रे लागेली आग में 20 लोगों ने रेस्क्यू करीने बाहर काढ़वामां आव्या छे। मोटी दुर्घटना टळी छे। होटल में आग लागवानुं कारण अंकवत छे। होटल में आग की जाण थता फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थले पहुंची तेमज 20 लोगों रेस्क्यू करीने सुरक्षित स्थले खसेड़वामां आव्या अने आग पर काबू मेळव्यो हतो। वडोदरानी गोत्री पुलिस स्टेशन में हाई प्रोफाइल दुष्कर्म केस में फरियादी युवती होस्टाइल थया बाद समग्र केस में नव वळाक आव्यो छे त्यारे हवे पीड़िता 164 नुं निवेदन नोंधनारा ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट नुं पण निवेदन लेवामां आवशे। खोटी फरियाद करी पुलिस अने न्यायतंत्र ने गैरमार्गे दौड़नारा युवती सामे कार्यवाही करवानी मांग उठी छे। होस्टाइल थया बाद पीड़िता युवती अशोक जैनना जामीन रद्द करवा पिटिशन हाईकोर्टमांथी परत खेंची हती जो कि गत वर्षे दुष्कर्मनी घटना सर्जाई हती। कच्छना गांधीधाम स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन विस्तार में कापड़ कंपनी में आग लागी हती। फायर फाइटरों घटनास्थले पहुंची आग पर काबू मेळवानो प्रयास हाथ धर्यो हतो। आग लागवानुं कारण अकबंध छे।
दमणना खारीवाड में एक फ्लेट में युवक नो मृतदेह मळ्यो हतो, जेनी तपास में चौंकावनारा खुलासा सामे आव्या छे। मृतक संजीव बेनर्जी की हत्या थई होवानी माहिती प्राप्त थई छे। युवक की पत्नी की पूछपरछ में अंगत झगड़ा ने कारण युवती की हत्या करी होवानी कबूलात करी हती। बनासकांठाना डीसा युवतीना सासरियाओ जबरदस्ती गर्भपात करावता युवतीए फरियाद नोंधावी हती। युवतीना परिवारजनों पासेथी दहेजनी मांगणी करी युवतीने काढी मूकी हती, तेमज युवती मानसिक अस्थिर होवानुं साबित करवा वीडियो बनावी दुरुपयोग पण कर्यो हतो। वडोदरा एमएस यूनिवर्सिटी में नौकरी अपावना नामे त्रण आरोपी ने कुंभाड़ आचर्यु हतु, तेमज उम्मीदवारों पासेथी कुल 5-14 लाख सुधीना पैसा पड़ाव्या हता। जे टोळकीना बे शख्सों ने क्राइम ब्रांचे दाहोती धरपकड़ करी कोर्ट में रजू कर्या हता, तेमज 11 दिवस रिमांड पूर्ण मेळव्या हता। टोळकीए उम्मीदवार पासेथी कुल 1.67 करोड़ पड़ाव्या हता। सूरत में साइबर फ्रॉड आरोपी घरेथी 1.41 करोड़ की चलनी नोट मिली आई छे। साइबर क्राइम सेले उना पाटिया खाते रहता वसीम अकमर हुसैन पटेल घरे दरोड़ा पाड़वामां आव्या। दरोड़ा 2000 रूपया 500 चलनी नोटो 500 रूपया 23,100 और 200 रूपया दरनी 6,000 चलनी नोट मिली आई छे, जयरे 100 रूपया में दरनी 3,500 नोट मिली आई छे। आईआरटीसीए आगामी दिवसों में 2 भारत गौरव ट्रेन की उत्तर भारते देवभूमि दर्शन और देव दक्षिण दर्शन पैसेंजर ने ट्रेन शुरू करी छे। उत्तर भारत जती ट्रेन वडोदरा स्टेशन थी उपड़ छे, जारे दक्षिण भारत जती ट्रेन साबरमती स्टेशन थी उपड़ छे। त्याना प्रदेशों यात्राधामों दर्शन करावशे। नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी खाते मेगो एक्जिबिशन योजवामां आव्युं। वातावरण में पलटो आवे ते पण केवी रीते केरीनुं सारू उत्पादन मेळवी शकाय ते अंगेनी माहिती आ एक्जिबिशन में आपवामां आवी हती। 146 प्रकारनी केरी आ एक्जिबिशन में मुकवामां आवी, जेमां 91 प्रकारनी स्वदेशी केरी और 8 प्रकारनी विदेशी केरीओ हती। नवसारीना धारासभ्य राकेश देसाई आ एक्जिबिशनों प्रारंभ करावे हतो। पाटणना सिद्धपुरना 3D ड्रॉइंगना आर्टिस्ट अकबर भाई मोमीने वडाप्रधान मोदी और गृहमंत्री अमित शाहनु एक ज फ्रेम में पेंटिंग बनाव्यु हतु, पण आ पेंटिंग ने सोशल मीडिया में धूम मचावे छे। 3D पेंटिंग में दर्पण रिवर्स इमेज में एक साथ 2 अलग अलग तस्वीरों देखाय छे। अकबर भाई मोमीने पेंटिंग बनावता 450 कलाकनो समय लाग्यो हतो। अमदावादना राणीप विस्तार में आवेली पीवीआर सिनेमा खाते विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रमों विरोध नोधायो हतो। द क्रिएटर सर्जनहार फिल्म विरोध में विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रमों उग्र सूत्रोच्चार कर्या हता। पीवीआर सिनेमा खाते आ फिल्म प्रमोशन थवानु हतु ते पहला ज विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रमों विरोध नोधायो हतो। विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रमों कहेवु छे कि आ फिल्म नी अंदर हिंदू धर्म नी लागणी दुभाय ते प्रकारनुं कैरेक्टर राखवामां आव्युं छे। आ फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज नहीं थवा दईए तेवी विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रमों धमकी आपी छे। तो फिल्म एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर कहेवु छे कि आ फिल्म में कोईपण धर्म की लागणी दुभाय तेवो एकपण कैरेक्टर राखवामां नथी आवी। त्रण देशों और विश्व 40 देशों नेताओं साथ मुलाकात कर परत फरेला वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी नवी दिल्ली में पालम एरपोर्ट पर भव्य स्वागत थयुं। भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा की आगेवानी में मोटी संख्या में भाजप कार्यकरों पीएम समर्थकों वहली सवार एरपोर्ट पहुंचा था। एरपोर्ट पर पीएम मोदी स्वागत समय वडाप्रधाने संबोधन करता कहूं कि भारतीय संस्कृति महान परंपरा विषय बोलती वक्त क्या गुलामी की मानसिकता में डूबशो नहीं, हिम्मत थी बोलो विश्व सांभवा आतू है। कहूं कि जयरे अपना तीर्थधामों पर हमला स्वीकार्य नहीं ते बात कहूं छू त्यारे दुनिया में मारी साथ होय तेवू लागे छे। कोरोना काल में विश्वभर में भारत वैक्सीन पहुंचाड़ी तेनो उल्लेख करता पीएम मोदी भावुक बन्या हता। पीएम मोदीए कह्युं हतुं कि जयरे कोरोना खराब समय हतो विश्वना समृद्ध देशों पण कोरोना समय घूटणे पड़ा था, पण आपणे केटलाक परिवारजनों ने गुमावी दीधा हता, परंतु जयरे पापुआ न्यूगिनी में पहुंचा और त्यांना लोकोने मळ्या त्यां तेओनी आंखमां आंसू हता। तेओनी आंखें बतावती हती कि भारते जे वैक्सीन आपी तेनाथी अमे जीवता छीए।
दिल्ली पालम एरपोर्ट पर पीएम मोदी संबोधन करता कहूं कि जितना नेताओं ने मब्या बात करी मंत्रमुग्ध था। कहूं कि त्रण दिवसीय यात्रा दरमियान जो समय मैं उपयोग राष्ट्र की भलाम राष्ट्र सर्वोत्तम संभव निर्णय करो। पीएम मोदी वधु में कहूं कि दुनिया में महापुरूषों से मिली हिन्दुस्तान सामर्थ्य की बात करे, देश की महान संस्कृति गौरवदान करे, आंखों मिलाने बात करे। आ साथ कहूं कि पड़कार गमे तेटलो मोटो केम हो पड़कार ने पड़कारवो ज मारा स्वभाव में छे। 28 मे नवी संसद गौरवपूर्ण प्रसंग राजकीय अखाड़ा में फेरवा आयो है। विपक्ष द्वारा उद्घाटन समारोह बॉयकॉट करायो है। तरह पीएम मोदी लोकतंत्र शू है तीन बात करता कहूं कि जयरे ओपेरा हाउस में भारत सम्मान करने प्रयास कर विश्वए भारतीय समारोह की भव्यता जोई। भारतीय कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया पीएम पूर्व पीएम और समग्र विपक्षी पार्टी और शासक पक्ष त्या पहुंचा था। आ ख्याति मोदी नहीं पर भारतीय की है। आम इशारा में 28 मे नवी संसद उद्घाटन कार्यक्रम विपक्ष द्वारा करता बहिष्कार पर जवाब दिल्ली में नवी संसद भवन उद्घाटन पीएम मोदी हस्ते करने जाहरात बाद विपक्षी दलों विरोध कर रहा है। तरह केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह जणाव्युं छे कि 28 मे रोज प्रधान मोदी नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र ने समर्पित करते। तेमणे कह्यु कि नवी संसद भवन बांधकाम में 60,000 जेटला श्रमिकोए पोतानुं योगदान आप्युं छे। अमित शाह कह्यु छे कि पीएम मोदी नवी संसद निर्माण करनारा तमाम श्रमिकोनुं सम्मान पण करशे। तेमणे कह्यु कि सेंगोलने नवी संसद भवन में राखवामां आवशे। आगामी 28 मे दिवसे वडाप्रधानना हस्ते नवा संसद भवन उद्घाटन थवानुं छे, जेमां देशभरना सांसदों ने अग्रणी नेताओं आमंत्रण छे। जो कि कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों आ कार्यक्रमनो बहिष्कार करी सके छे। नवा संसद भवनना उद्घाटन माटे लोकसभा अने राज्यसभामां तमाम पूर्व स्पीकर अने अध्यक्षो राज्योना मुख्यमंत्रीओ अने बन्ने गृहोना सांसदोनो समावेश थाय छे। आमंत्रण तथा भौतिक अने डिजिटल बन्ने स्वरूपमां मोकलवामां आव्युं छे। आ सिवाय भारत सरकारना तमाम मंत्रालयोना सचिवोने पण आमंत्रण मोकलवामां आव्युं छे। पीएम मोदी हस्ते नवा संसद भवन 28 मे रोज उद्घाटन करवामां आवशे। तेने लईने विपक्षी दलोए लोकार्पण कार्यक्रमनो बहिष्कार करवानी चीमकी आपी छे। त्यारे केन्द्रीय संसदीय बाबतोना मंत्री प्रहलाद जोशीए जणाव्युं छे कि हुं विपक्षी दलोने कहेवा मांगु छुं कि आ खूब ज ऐतिहासिक घटना छे। तेमणे कह्युं कि आ समय राजकारण करवानुं नथी। केन्द्रीय मंत्रीए कह्युं छे कि लगभग 100 वर्षना समयगाळा बाद ऐतिहासिक घटना थवा जई रही छे अने मतलब विनानो मुद्दो बनावो ते खूब ज दुर्भाग्यपूर्ण छे। नवा संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रम में देश राष्ट्रपति ने आमंत्रण न आपू ते आदिवासी समाज दलित समाज पछात समाज नु अपमान छे अने ते दर्शावे छे कि भाजपनी मानसिकता आदिवासी दलित अने पछात विरोधी छे। अन्यथा जो तमे संसद उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लो अने राष्ट्रपति ने बोलावता नथी तो तमे शुं संदेश आपवा मांगो छो? आप पार्टी कार्यक्रम नो बहिष्कार करशे अने तमे तेमां हाजरी आपीशुं नहीं। नवा संसद भवन उद्घाटन समारोह ने लईने असुद्दीन ओवैसीए कह्युं छे कि वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति ने नवा संसद भवन उद्घाटन न करवू जोईए। नवा संसद भवन जरूरियात स्वीकार करता ओवैसीए कह्युं छे कि अमने तेनी जरूरत छे ते वात ने नकारी शकाय नहीं, परंतु वडाप्रधान द्वारा तेनुं उद्घाटन योग्य नथी कारण कि ते सत्ताना विभाजनना सिद्धांतनी विरुद्ध छे। उद्घाटन लोकसभाना अध्यक्ष द्वारा थवुं जोईए कारण कि तेओ संसदना रखेवाड़ छे। ओवैसीए वडाप्रधान ने पीछेहट करवा अने स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन करवा देवानी अपील करी हती। देशनी नवी संसद भवन उद्घाटन 28 मे रोज थवानुं छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आ इमारतनुं उद्घाटन करशे, परंतु तेना उद्घाटन समारोह ने लईने देशभर में राजकारण गरमायुं छे। हवे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्राए पण आ कार्यक्रमनो बहिष्कार करवानी वात करी छे। पीएम मोदी पण कटाक्ष करता तेमणे कह्युं छे कि आ पीएम मोदीनी हाउस वोर्मिंग सेरेमनी नथी। संसदीय लोकशाहीनी प्राथमिकताना क्रम मुजब राष्ट्रपति प्रथम, उपराष्ट्रपति बीजा अने वडाप्रधान त्रीजा स्थाने आवे छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी 28 मे रोज नवा संसद भवन उद्घाटन करशे। कांग्रेस सहित 19 विपक्षी पार्टीओ नवा संसद भवन उद्घाटन समारोह बहिष्कार करने जाहरात करी छे। आ बधानी वच्चे राहुल गांधीए ट्वीट करीने जणाव्युं छे कि नवा संसद भवन उद्घाटन राष्ट्रपतिना हाथ न करवू ते योग्य नथी। राहुल गांधीए वधुमां कह्युं कि राष्ट्रपति ने संसदना उद्घाटन समारोहमां आमंत्रण न आपवू ए देशना सर्वोच्च बंधारणीय पदनुं अपमान छे। तेमणे लख्युं छे कि संसद अहंकारनी ईंटोथी नहीं परंतु बंधारणीय मूल्યોથી બનેલી છે।
दिल्ली में नवा संसद भवन उद्घाटन मुद्दे बातचीत करता आसाम मुख्यमंत्री हिमता बिस्वा शर्मा जणाव्युं छे कि विपक्षी दलोए नवा संसद भवन निर्माण कार्यनो विरोध कर्यो हतो अने तेमणे क्यारे आवुं विचार्युं नहीं होय कि संसद भवन निर्माण आटली झड़पथी थई जशे जेथी आ बाबतो तेमना माटे बाउंसर समान छे अने माटे विपक्षी दलो ड्रामा करी रह्या छे। हिमता बिस्वाए शर्माए कह्युं छे कि विपक्षी दलो क्यारे पण नवा संसद भवन निर्माण कार्यनो समर्थन कर्युं नथी। कांग्रेसना राज्यसभा सांसद जयराम रमेशे भाजपना नेताने निवेदन लईने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रहारो कर्या छे। मध्यप्रदेश कांग्रेसे बीजेपी सांसद केपी यादवनो एक वीडियो ट्विटर पर शेर करीने दावो कर्यो छे कि तेओ ज्योतिरादित्य सिंधियाने निशान बनावी रह्या छे। आ वीडियोने रीट्वीट करता जयराम रमेशे लख्यू छे कि विश्वासघातनुं परिणाम न घर के रहे न घाट के। मध्यप्रदेश कांग्रेसे दावो कर्यो हतो कि बीजेपी सांसद केपी यादवे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रहार करता कह्युं छे कि भीड़मां केटलाक मूर्ख लोको छे जेमने ए पण खबर नथी કે આપણે સ્ટેજ પર શું બોલવું છે। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ना प्रमुख गुलाम नबी आजादे नवा संसद भवन ना उद्घाटन कार्यक्रम विषय बात करता जणाव्यू कि आज थी लगभग 30-32 वर्ष पहला जयरे पीवी नरसिम्हा राव भारत ना वड़ा प्रधान हता त्यारे हूँ संसदीय बाबतों नो मंत्री हतो। ते समयगाळा दरमियान तत्कालीन स्पीकर शिवराज पाटिले मने जणाव्यू हतु कि वर्ष 2026 पहला नवा संसद भवन निर्माण थयु छे। गुलाम नबी आजादे कह्युं छे कि नवा संसद भवन नु बांधकाम जरूरी हतु अने सारू छे तेनु निर्माण कार्य पूरु थई गयु छे। दिल्ली में 28 मे ना रोज देश की नवी संसद भवन उद्घाटन वडाप्रधान मोदी हस्ते करवानी जाहरात बाद विपक्षी दलों आक्रमक थया छे। 19 विपक्षी दलों द्वारा एक संयुक्त निवेदन जाहिर करवामां आव्युं जेमां वडाप्रधान मोदी हस्ते नवी संसद भवन उद्घाटन विरोध करवामां आव्यो छे। संयुक्त निवेदन में जणाववामां आव्युं छे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइडलाइन करी पीएम मोदी द्वारा नवी संसद भवन उद्घाटन करवानो निर्णय न मात्र राष्ट्रपतिनुं अपमान छे परंतु देशनी लोकशाही पर हुमलो छे। बंधारणना आर्टिकल 79 प्रमाणे संसद भवन राष्ट्रपति बने ते गृहनो उल्लेख करवामां आव्यो छे। कांग्रेस पार्टी ना नेता अने सांसद मणिकम टैगोरे जणाव्युं छे कि वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी माटे राहुल गांधी ने पीएम पदना उम्मीदवार तरीके जाहिर करवो जोईए। तेमणे कह्युं कि विपक्ष तरफथी राहुल गांधी ने पीएम पदना उम्मीदवार जाहिर करवामां आवे। वर्ष 2019 में मोदी अटक मुद्दे आपेला निवेदन केस में सूरतनी कोर्टे राहुल गांधी ने दोषित मानी 2 वर्षनी सजा फटकारी हती। त्यारबाद तेमणे लोकसभानी सदस्यता गुमावी हती। टैगोरे कह्युं कि आपणे पीएम पदना उम्मीदवार माटे स्पष्ट जाहेरात करवी जोईए। दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले बुधवारे मुंबईमां शिवसेनाना प्रमुख उद्धव ठाकरे साथे तेमना निवासस्थाने मुलाकात करी हती। तो आ दरमियान केजरीवाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमां सेवाओना नियंत्रण मुक्त करवानो केन्द्रना वटहुकुम सामे आम आदमी पार्टीनी लाइडमां उद्धवनुं समर्थन मांग्युं हतुं। तो उद्धव साथेनी मुलाकात दरमियान पंजाबना मुख्यमंत्री भगवत मान आपना राज्यसभाना सभ्यो संजय सिंह अने राघव चड्डा पण हाजर रह्या हता। तो आ दरमियान महाराष्ट्रना पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करता कह्युं छे कि भारतीय जनता पार्टी देशमांथी लोकशाहीने दूर करवा मांगे छे। कर्नाटकना उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमारे जणाव्युं छे कि अमे प्रदेशमां कोईने पण कायदो हाथमां लेवा दईशुं नहीं भले पछी ते कोंग्रेसनो व्यक्ति होय के पछी अन्य कोई पार्टीनो व्यक्ति होय कोईने कायदो हाथमां लेवानी सत्ता नथी। तेमणे कह्युं छे कि कायदानुं रक्षण करवानुं कार्य पोलीसनुं छे। डीके शिवकुमारे दावो कर्यो छे कि प्रदेशमां 3-4 जग्या पर पोलीस कर्मचारीओ तेमणी खाकी वर्दीनी जवाबदारी नेवे मूकीने राजकीय पक्षना इशारे काम करे छे। आ प्रकारनी प्रवृत्તિ બંધારણીય નથી। તેમણે કહ્યું છે કે પોલીસ કર્મચારીઓ દેશના કાયદા પ્રમાણે કામગીરી કરવી જોઈએ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देशना विविध भागों में शुरू करवामां आवी रही छे जेनी सेवाथी देशना लोको पण खूब संतुष्ट छे। त्यारे गुरुवारे वडाप्रधान मोदी उत्तराखंड में वंदे भारत ट्रेन ने लीली झंडी आपशे। पीएम मोदी 25 मे ना रोज वीडियो कॉन्फरेंस ना माध्यम थी वंदे भारत ट्रेन ने फ्लेग ऑफ करशे। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय थयेला साइक्लोनिक सर्क्युलेशन की असर हवे राजस्थान पर जोवा मळी रही छे। जयपुर अने तेना आसपासना विस्तारों में बपोरे हवामां पलटो आव्यो हतो। शहर में वरसाद अने केटलीक जग्याओ पर छूटा छवाया करा पड़ता लोकोने गरमीमांथी राहत मळी छे। जयपुर में सवारना समयथी ज वादळछायुं वातावरण सर्जायेलुं हतुं। वरसादना कारणे तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियसनो घटाडो नोंधायो हतो। जयपुर सहित राजस्थानना 10 जेटला जिल्लामां नोंधपात्र वरसाद पड्यो।